हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और लोग उसमें पूछ रहे थे कि अगर पहले कभी सिसेरियन डिलीवरी हुई थी, यानी कि कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, तो क्या इस बार की प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके मन में इस तरह का क्वेश्चंस है, इस तरह का डाउट्स है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिए और बगल में घंटी के बटन को भी क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुँच जाया करे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिसेरियन डिलीवरी को सी सेक्शन डिलीवरी और ऑपरेशनल डिलीवरी के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से नॉर्मल डिलीवरी को VBAC के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वैजाइनल बर्थ आफ्टर सिसेरियन। यानी कि पहले कभी आपको ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, लेकिन इस बार की प्रेगनेंसी में आप नॉर्मल डिलीवरी करने जा रही हैं, तो इसी प्रोसेस को VBAC के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं VBAC करवाने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद हम इसके जोखिम के बारे में जानेंगे, इसके नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो फ़ायदा है कि आपको कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और आप इसमें बहुत ही जल्दी रिकवरी कर पाते हैं, बहुत ही जल्दी वापस से हेल्दी हो जाते हैं। और इसमें आपको हॉस्पिटल में सिर्फ एक या दो दिन ही रुकना पड़ता है, और इसमें आपको इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ही कम होता है, और इसमें आपका ब्लड लॉस भी काफ़ी कम होता है। ब्लीडिंग कम होने की वजह से ब्लड लॉस भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। फ्रेंड्स, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप फ्यूचर में और भी बच्चे चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर में और भी प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो VBAC करवाने से बहुत ही ज़्यादा आसानी आपको होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके जोखिम के बारे में जान लेते हैं, इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा नुकसान एक ये है कि इसमें गर्भाशय फटने का डर होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब पहले कभी आपको ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, तो उस केस में आपके यूट्रस में आपके गर्भाशय के नीचे कुछ कट किए गए थे, जिससे बच्चे को ऑपरेशन से बाहर निकाला गया था। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो आपके शरीर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो कट वापस से फटने लगता है, और इस केस में बच्चा बाहर आने लगता है, और इस केस में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है, और बच्चे को ब्रेन डैमेज भी हो सकती है, और इस केस में गर्भवती माँ को और बच्चे की जान भी जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि ऐसा केस 1% से भी कम महिलाओं के साथ देखा गया है। लेकिन ये इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि गर्भाशय फट जाए। गर्भाशय फटने को मेडिकल टर्म में यूटेराइन रप्चर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यूटेराइन रप्चर बहुत ही कम महिलाओं में देखा जाता है, यानी कि ये 1% से भी कम महिलाओं को यूटेराइन रप्चर होने का खतरा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जानकर आपको और भी खुशी होगी, एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि अगर VBAC करवाया जाए, तो उसमें 60-80% चांसेस होते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, 60-80% चांसेस होते हैं कि VBAC सक्सेसफुल हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड, तो अगर आपको पहले कभी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, तो आप VBAC करवाते हैं, तो 80% चांसेस होते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि VBAC कब आप करवा सकते हैं और कब आप नहीं करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि VBAC कब आप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला है, अगर आपको पहले वाले ऑपरेशन वाले डिलीवरी का स्कार नहीं दिख रहा है, यानी कि पहले वाले ऑपरेशन वाले डिलीवरी का चीरे का निशान आपको नहीं दिख रहा है, तो आप VBAC करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको पहले वाले ऑपरेशन वाले डिलीवरी में लो ट्रांसवर्स इंसिशन किया गया था, यानी कि हॉरिजॉन्टल कट करके आपके बच्चे को बाहर निकाला गया था, तब आप VBAC करवा सकते हैं।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है वो तीन तरह के कट करने के बाद होती है। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल कट, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, पहला जो कि आपके एब्डोमेन एरिया के सबसे नीचे वाले पार्ट में हॉरिजॉन्टल कट करके बच्चे को निकाला जाता है। दूसरा टी शेप कट करके आपके बच्चे को निकाला जाता है। और तीसरा हाई वर्टिकल यानी कि आई शेप कट करके आपके बच्चे को ऑपरेशन से बाहर निकाला जाता है। तो अगर आपको टी शेप या हाई वर्टिकल इंसिशन करके आपके बच्चे को निकाला गया था तो आपको डॉक्टर मना कर सकते हैं VBAC करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको लो ट्रांसवर्स इंसिशन किया गया है यानी कि अगर आपके यूट्रस में हॉरिजॉन्टल कट करके आपके बच्चे को निकाला गया था, ऑपरेशन करके निकाला गया था, तब आप VBAC 100% करवा सकते हैं। फ्रेंड्स अगला, अगर आपने कभी भी यूट्रस का सर्जरी नहीं करवाया है तो आप VBAC बिल्कुल करवा सकते हैं। फ्रेंड्स अगला है, अगर आपको पहले वाले यानी कि ऑपरेशन वाले डिलीवरी के बाद ये प्रेगनेंसी 18 से 24 महीने के गैप में है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 साल के गैप के बाद आप इस प्रेगनेंसी को डिलीवरी करना चाह रही हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाह रही हैं, तो आप बिल्कुल VBAC करवा सकते हैं। यानी कि ऑपरेशन वाले डिलीवरी और ये नॉर्मल वाले डिलीवरी में जो गैप है वो 1.5 साल या 2 साल का होना चाहिए, तभी आप VBAC करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि VBAC आप कब नहीं करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है, अगर आपका उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो आप VBAC नहीं करवा सकती हैं। दूसरा, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और बच्चे का वज़न 4 kg से यानी कि 4 किलो से ज़्यादा है, तब आप VBAC नहीं करवा सकते हैं। अगला कि अगर आपको पहले कभी गर्भाशय फटने का हिस्ट्री रहा है, यानी कि पहले आपको अगर आपने VBAC करवा रहे थे तो आपका गर्भाशय फट गया था, यूटेराइन रप्चर हो गया था, तो फ्रेंड्स इस बार आप VBAC नहीं करवा सकते हैं। अगला, अगर आपका पेल्विक एरिया बहुत ही ज़्यादा छोटा है तब भी आप VBAC नहीं करवा सकते हैं। और अगला है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 हफ्ते से ज़्यादा की है, जी हाँ फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी 40 हफ्ते से ज़्यादा दिनों की हो जाती है, तो फ्रेंड्स इस केस में डॉक्टर आपको VBAC करवाने से मना कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला, अगर आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, अगर आपको गर्भाशय से जुड़ी कोई बीमारी है, तब भी आपको डॉक्टर VBAC करवाने से मना कर सकती हैं और आपको सिसेरियन डिलीवरी ही कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। फ्रेंड्स मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा कि अगर आपको पहले सिसेरियन डिलीवरी हुई थी और इस बार आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोच रही हैं, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो कर लेना है और एक बार डॉक्टर से सारे चेकअप कराने के बाद ही, सारे इसके बेनिफिट्स और इसके जोखिम को जानने के बाद ही आपको डिसीज़न लेना है, तभी ये आपके लिए आपके बच्चे के लिए बेनिफिट रह पाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी, तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।